अगर आप लोग ने भी एनबीएफसी एप्लीकेशन या फिर बैंक से पर्सनल लोन ले रखा है, 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, कितना भी लोन लिया है, उसका आप लोग रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग के पुलिस केस मतलब पुलिस का कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, थाने बुलाते हैं, तो उस केस में आप लोग को क्या करना है? अगर कॉल नहीं उठाते तो आप लोग के साथ क्या होगा? अगर उठाते हैं तो क्या आप लोग को जाना पड़ेगा जेल या फिर पुलिस स्टेशन जाना होगा, आपके ऊपर FIR दर्ज होगा? इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो एकदम सीरियस टॉपिक है, आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग के लिए रेगुलर हम लोग कंटेंट लाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से हम लोग रेगुलर कंटेंट लाते रहेंगे और आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते जाएंगे। ऐसे ही एक सब्सक्राइबर का क्या हुआ था कि उनको पुलिस से कॉल आने लगा था, तो उनसे बात हुई हमारी, तो उनको वो बहुत डर गए थे, तो उनसे हम लोग बात किए, फिर उनसे उनको जो होगा सॉल्यूशन उस वीडियो में बताते हैं आपको। तो मान लीजिए आप लोग का अकाउंट, मान लीजिए आप लोग ने पहला EMI नहीं दिया, दूसरा EMI नहीं दिया, तीसरा EMI नहीं दिया, आप लोग ने बहुत सारे EMI नहीं दिए, आप लोग को रिकवरी एजेंट का कॉल आना स्टार्ट हो गया, रिकवरी एजेंट आपके घर आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करना है? उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर ये देख सकते हैं, जब आपके घर रिकवरी एजेंट आए तो आप लोग को क्या करना है। वहीं अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप लोग ने लोन रिपेमेंट नहीं किया तो आप लोग के अगर पुलिस कॉल आ रहे हैं तो आप लोग को क्या उनका कॉल उठाना ज़रूरी है? तो सबसे पहले बात आप यहाँ सुन लीजिए, अगर आपको कॉल आ रहा है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि आप लोग को पुलिस स्टेशन से, थाने से कॉल किया जा रहा है, ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर को आया था कॉल, तो सबसे पहले वो डर गए, जैसे ही बोला उन्होंने डर गए और कॉल काट दिया, उन्होंने कॉल काट दिया, उसके बाद उन्होंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ कि उनको एक SMS आया, बोला कि आपका जो जो भी अमाउंट है, जो भी आप लोगों ने लोन लिया है, उसके अगेंस्ट आपके ऊपर एक केस दर्ज हो गया है, ऐसा करके उनको मैसेज आया, ऑफिशियली कहीं से नहीं आया, अननोन नंबर से आया। तो वो डर गए, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, बाकी बात जो हुई बताते हैं आपको। उनको मैसेज आया तो हमने बोला कि आप उनसे बात कीजिए, बात किया उन्होंने, कॉल लगाया, कॉल पे बात हुई, तो बोला उन्होंने कि हम आपके थाने से बात कर रहे हैं और ये हम आपके जो एप्लीकेशन, उसका नाम नहीं लेंगे, पर समझ जाइए कि लोन लिया था उन्होंने NBFC एप्लीकेशन से, तो उस लोन का आपका रिकवरी, आप लोगों ने लोन रिपेमेंट नहीं किया है तो उसके रिगार्डिंग एक केस कराने आए हैं, ऐसा कुछ बोला उन्होंने कॉल पे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, अगर आप लोगों को भी कॉल आया ऐसा, तो आप लोग को रिकॉर्डिंग ऑन रखना, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखना। फिर उन्होंने क्या किया, मतलब ऐसा ऐसा बात बोला, फिर बोला कि आप लोन दे दीजिए इसका, तो उन्होंने बोला कि सीधा बात बोला, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपका रिपेमेंट नहीं कर पा रहा, उनका रिपेमेंट नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरे पास पैसे रहेंगे तो मैं इनका रिपेमेंट कर दूंगा, उन्होंने साफ साफ बोला है, इनकार नहीं कहा रिपेमेंट करने से, तो उन्होंने ये बोला। तो क्या बोलने लगे, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा भी है जो भी है पेमेंट करके ख़त्म कीजिए, मतलब अभी EMI दे दीजिए, फिर बाद में और जितना होगा आपके पास वो कर दीजिए। तो भाई पुलिस ऐसा बोलेगी कि आप थोड़ा सा रिपेमेंट कर दें, पैसा दे दें, ख़त्म करें, ऐसा बोलेगी पुलिस, ऐसा नहीं बोलेगी। तो ये लोग कौन होते हैं जो भी आप लोग को कॉल कर रहे हैं ऐसे करके? पुलिस का क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यही है ना, लोन रिकवरी करना थोड़ी ना। लोन रिकवरी करने जब पुलिस ही आ जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा, जब सब चीज़ में पुलिस थोड़ी ना आएगी भाई, इतना क्रिमिनल केस बढ़ रहा है, वो सब में रहेगी कि आपका लोन रिकवर करेगी वो। तो आप लोगों को सबसे पहले डरना नहीं है, आप लोगों को जब भी कॉल आए आप लोग को कॉल रिसीव करना है और उनसे बात करना, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और पूछना है बहुत कुछ, सवाल पूछना है आपको, क्या क्या सवाल पूछना है? सबसे पहले कॉल करें, बोले कि हम आपके थाना से कॉल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ठीक है, बोलिए कि आप कौन से थाना से कॉल कर रहे हैं, नाम बताएगा जो बताएगा, ठीक है। सबसे पहले ये सवाल, कौन से थाना से कॉल कर रहे हैं, आपको उल्टा सवाल पूछना है, ठीक, कौन से थाने से कॉल कर रहा है, आपका पोस्ट क्या है, आपको पूछना है, क्योंकि 99% ये लोग रिकवरी ही एजेंट होते हैं जो आप लोग को पुलिस करके एडवोकेट बन करके ऐसे कॉल करते हैं। आपको वहाँ पे एक रिकवरी एजेंट नहीं होंगे, 4-5 होंगे जो इनके खेल में होंगे, कोई एडवोकेट बना रहेगा, कोई आपको बोलेगा कि इस कंपनी से है जिस भी आप लोगों ने लोन लिया, और कोई बोलेगा पुलिस है, तो कोई बोलेगा जज है, मतलब सब कुछ ये लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग से उनसे पूछना है कि कौन से थाने से बोल रहे हैं, पोस्ट क्या है, अगर आप उस थाने से बोल रहे हैं तो एड्रेस दीजिए, हम उस थाने पे आकर के आपसे मिलेंगे डायरेक्ट। अरे ये लोग कोई भी थाने से नहीं बोलते, ये लोग रिकवरी एजेंट है, तो आप लोग सीधा बोलिए हम थाने पे आके बात करते हैं, ठीक है, आप थाने पे आइए, मतलब एड्रेस दीजिए, हम थाने पे आते हैं, या फिर आप वीडियो कॉल करके दिखाइए कि आप थाने,
वीडियो कॉल करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, कीजिए आप, बस ये बात बोलिए ये लोग पक्का नहीं भागे तो बोलिएगा, फिर ये लोग खुद आ जाएंगे बोलेंगे कि नहीं आप लोग रिकवरी कीजिए, नहीं तो सच में हम चले जाएंगे। भाई जाना, सच में जाना होता तो तुमसे कॉल करके बोलता, नहीं हुआ कुछ ऐसा। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, आप लोग के पास जब पैसे हों तो उनका पेमेंट कर दे, सीधा सा बात है, अगर आपके पास अभी पैसे हैं तो पेमेंट करके ख़त्म करें, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, जब आपके पास पैसे ही नहीं तो कोई बात क्या है इसमें, जब भी पैसे हों आपका इनका पेमेंट करके ख़त्म करें, आप लोग को ये हरास करते रहेंगे ऐसी, बस आप लोग को डरना नहीं है, ये लोग सिर्फ जो डर जाते हैं उनके लिए ये लोग बदमाश है, बाकी इन लोग का खुद कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग खुद एक दो कौड़ी के आदमी सब है रिकवरी एजेंट, ये आप लोगों सिर्फ डराएंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को ऐसा कॉल आए तो आप लोग को रिकॉर्डिंग ऑन रखना है, बाकी हम हैं, अगर आप लोग को आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने इस पे लाएं, अपने वीडियो पे लाएं रिकॉर्डिंग वगैरह, तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आकर के सेंड कर दीजिए, हम लोग जरूर से जरूर लाएंगे और आपका हेल्प करने की जरूरत जरूर से जरूर मदद करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक के लिए चलते इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।